देखिए, हम उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हमारे यहाँ कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेके लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत की थी, कुछ मामले शॉर्ट आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसको अभी निस्तारित करना बाकी है। जब पिछली बार मैंने एक मीटिंग ली थी, आपको भी सबको जानकारी है, वन विभाग का कुछ पैसा हमारा पेंडिंग है, कुछ सिंचाई विभाग की ज़मीनें हमारी वहाँ पे ऐसी हैं कि जिसको मैंने कहा था इसको और पुनर्जीवित आप करिए, तो उसके बाद का क्या डेवलपमेंट हुआ। अच्छी बात यह है कि इस बैठक का एक नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ जो सहकारिता का है उसमें हमें कुछ जो पहले हमारे रिकॉर्ड में नहीं था वो सहकारिता का पैसा भी अब हमने क्लेम किया है। लगभग 10,44,00,000 रुपया हमने वहाँ से लेना है, 3,33,00,000 रुपया हमने देना है, यानी लगभग 7,11,00,000 रुपया भी हमें एक तरह से वहाँ से मिलने की संभावना बनती है। ऐसी हमने पिछली बार जब हमने बातचीत की थी तो कृषि में हमें 1,13,00,000 रुपये मिला है, उसके लिए उन्होंने सहमति दी है। यानी कि इस बैठक का लब्बो लबाब का रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो हमें पैसा वहाँ से जिनकी हमें कागजों में नहीं ज्ञात था या जानकारी नहीं थी वो पुनर्जीवित हुआ निकला और उसमें हमें इस तरह से लाभ हुआ। जो हमारे यहाँ सिंचाई विभाग की ज़मीन है उसके लिए भी हमारी बातचीत जारी है और ऐसी हमारे यहाँ वन विभाग का कुछ मैटर है जो पिछली बार हमने कहा था कि हमारे यहाँ जो लगभग उसमें लगभग 90-95 करोड़ पे हमारा बकाया था और ऐसी हमारा ऊर्जा का ये तीन प्रमुख विभाग अभी हमारे हैं जिस पे हमारी बातचीत होनी है। ऊर्जा में हमारे सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा, हम उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से यदि हमारे पक्ष में निर्णय आया तो हम लोग उसमें लाभ की स्थिति में होंगे। वन और दूसरे विभाग के लिए, सिंचाई विभाग के लिए मेरे द्वारा आज निर्देशित दिया गया कि 10 दिन के अंदर सचिव लेवल की हम लोग आपस में बातचीत करें, मतलब हमारे यहाँ के ऊर्जा सचिव, सिंचाई सचिव, वहाँ के सिंचाई सचिव, यहाँ के हमारे जो सहकारिता सचिव, वहाँ के सहकारिता सचिव, हमारे यहाँ के जो हैं वन सचिव, वहाँ के वन सचिव, मतलब उस लेवल के अधिकारी पहले बातचीत करें, फिर 10 दिन के बाद कुछ मामला नहीं बढ़ता आगे तो हमारे CS लेवल पर हम लोग बातचीत करें। उसके बाद भी यदि मामला पेंडिंग रहता है या निस्तारित नहीं होता है तो फिर हम कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री लेवल पे हमें से सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करें। यानी कि जो हमारा क्लेम है हम चाह रहे हैं कि हमें उसको मिल जाए ताकि हमेशा के लिए ये विषय भी हमारा समाप्त हो जाए और हम उसके लाभ की स्थिति में